हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन वर्ल्ड। अंतरा पाठ 6, पद जिसके लेखक है तुलसीदास। जननी निरखति बान धनुया, बार बार उर नैनी लवती, प्रभु जी की ललित पन्हैया। कभू प्रथम जो जाई, जगवती कही प्रिय बचन सवारे। उठौ तात बलि मतु, बंदर पर अनुसख सखा सप द्वारे। कबहू कहती यो बड़ी बार, भाई जाऊ भू पहा भया। बंधु बोली जेय जो भाव गई, निचवारी मैया। कबहू समूझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। तुलसीदास वे समय कहे, ते लगती प्रीति सीखी सी। श्री राम वन को जा चुके हैं, माता कौशल्या उनके विरह में व्याकुल हैं। ये रघुनंदन के बचपन की वस्तुओं को देख देख कर उनका स्मरण कर रही हैं। वे श्री राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण को देख रही हैं। प्रभु श्री राम की शेषव की जूतियां बार बार अपने हृदय पर लगा रही हैं। कभी कभी सवेरे शयन कक्ष में सबसे पहले उन्हें जगाने जाती हैं। वहाँ मोहवश कहती हैं, हे पुत्र उठो, तुम्हारे मुख पर माँ बलिहारी हैं। तुम्हारी सभी अनुज और मित्रगण तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी माता कौशल्या कहती हैं, हे भैया बहुत देर हो गई है, महाराज के पास जाओ, भाइयों को बुला लो, जो मन भावे सो खा लो। मैया तुम पर बलिहारी हैं। कभी वे राम के वन गमन का स्मरण करके चित्र के समान स्तंभ और चकित रह जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, वे सब तुम्हारी माता के लिए अकथनीय है। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम मोरनी की भांति है। मोरनी प्रसन्न होकर नाचती रहती हैं। अंत में वे कदमों की ओर देखकर रो लेती हैं। इसी तरह कौशल्या भी आपके विरह में अचेत है। रागो एक बार फिर आवो, ए बार बाजी ब्लोकी, अपने बहुरो बनही सुधावो। जे पाए पैयो पोखी, कर पंकज वार वार चुचकारे। क्यों जीव ही मेरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे। भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जनही तिहारे। तदपि दिन ही दिन होते, झजवारे मनहु कमल हिमारे। सुनहु पथी का जो राम मलही, बन कहियो मतु संदेशो। तुलसी मोही और सभीन, ते इनको बड़े अंदेशो। माता कौशल्या राम की वन गमन के बाद दुखी हैं। वे राम से संबंधित वस्तुओं और प्राणियों में उनका विरह वेदना का अनुभव कर रही हैं। वे कहती हैं, हे राघव एक बार वापस लौट आओ, अपने इस प्रिय घोड़े को एक बार देखकर फिर से वन को चले जाना, जिसे जल पिलाकर अपने कमल रूपी कोमल हाथों से सहलाते थे, बार बार पुचकारते थे। वे घोड़ा तुम्हारे विरह में दुखी है, मेरे लाडले राम, वे तुम्हारे बिना भला क्यों जीवित रहे, क्योंकि उसे तुमने इन दिनों पूरी तरह छोड़ दिया है। ये तुम्हारा अति प्रिय घोड़ा है। ये विचार कर भरत उसकी सौ गुनी देखभाल करते हैं, फिर भी ये दिनों दिन मुरझाता जा रहा है, सुस्त होता जा रहा है। ये ऐसा शीतल हो गया है, मानो कमल पर हिमपात हो गया है। हे पथिक सुनो, यदि मार्ग में कहीं पर भी तुम्हें राम मिल जाए, तो उनसे माता का ये संदेश कह देना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे और सबकी अपेक्षा इन प्राणियों की बड़ी चिंता लगी हुई है, अतः हे राम एक बार आकर इन्हें दर्शन देकर वापस लौट जाओ।